हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि इन तरीकों से आप लड़की की दिल की बात जान सकते हो कि उसके दिल में आपके लिए क्या है। क्योंकि लड़कियां जो है ना, हमेशा अपनी फीलिंग्स बताने में, अपनी दिल की बात बताने में नखरे खाती हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि अगर वो जितना ज़्यादा नखरे करेंगी उतना ही ज़्यादा लड़का और भी ज़्यादा उनके पीछे भागेगा, और इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखती हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे आप उनकी दिल की बात को जान सकते हो कि वो आप में इंटरेस्टेड है ये नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका है उस लड़की के लिए जिससे आपकी बातचीत नहीं होती है, बस दूर से ही आपकी और उसकी आई कांटेक्ट होता है। ठीक है, आप दूर से उसे देखते हो। ऐसी लड़की की दिल की बात जानने के लिए आप उसे इनडायरेक्ट वे में कुछ कहने का इशारा कर सकते हो या कुछ बोल सकते हो। जैसे कि अक्सर जब हम किसी को एक तरह से बिना बोले कुछ हाँ या ना में कुछ कहने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं हम, उस इंसान के सामने अपनी पलकों को स्लो मोशन में नीचे की तरफ करते हैं या बंद करते हैं। तो अगर वो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो सामने वाला पर्सन तुरंत समझ जाता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक ऐसा ही कुछ इशारा आप लड़की को कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप उसे प्रॉपरली आई कांटेक्ट बना सकते हो। ठीक है, उसे देखकर हल्की स्माइल पास कर सकते हो। ऐसा करने के बाद आप ये देखो कि क्या इन सभी इशारों को समझकर वो आपको कोई रिस्पांस करती है, कोई रिप्लाई देती है। अगर देती है तो इट मीन्स कि वो आपको पसंद करने लगी है। इसके अलावा अगला इशारा उस लड़की के लिए है जिससे आपकी बातचीत होती है। दोस्तों देखो, अगर आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है, चाहे वो दोस्ती हो या ऐसे नॉर्मल हल्की फुल्की बातचीत होती हो कभी कभार, तो अगर आपको ये देखना है कि अगर वो अपनी तरफ से पहल करती है, ठीक है, हर चीज़ की, चाहे वो बात करने की, आपके कांटेक्ट में रहने की, ठीक है, या फिर मिलना हो किसी भी तरीके से, कॉल या मैसेज को, अगर वो अपनी तरफ से पहल कर रही है तो इट मीन्स कि वो आप में इंटरेस्टेड है। और ये चीज़ देखने के लिए आपको करना क्या है कि उसे थोड़ा बहुत दूरी बनानी है, उसे थोड़ा बहुत इग्नोर करना है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके आपको उसे ये दिखाना है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। ऐसा करके क्या है, आप कॉल या मैसेज करना बंद कर दो, एक दिन के लिए एटलीस्ट कि उसके सामने जाना बंद कर दो। अगर वो एफर्ट लगा दे तो इट मीन्स कि वो आपको पसंद करने लगी है। इसके अलावा अगला तरीका है दोस्तों, देखो कभी कभी ना लड़की अगर आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो वो आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहेगी। उसके मन में आपको खोने का डर हमेशा रहेगा। ठीक है, वो आप जब किसी और लड़की से बातचीत करोगे, किसी और लड़की के साथ अगर वो आपको देखेगी, तो उसका बिहेवियर प्रॉपरली चेंज हो जाएगा। उसके मन में ये रहेगा कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, आप उससे क्यों बात कर रहे हो, ये सभी सवाल उसके माइंड में चलेंगे। और इसी वजह से क्या होगा, उसका बिहेवियर आपके सामने चेंज हो जाएगा। उसमें थोड़ी सी जलसी आपको दिखेगी, थोड़ी सी जलन आपको दिखेगी, वो जल भुनकर पूरी प्रॉपरली राख हो जाएगी। तो इससे भी आप उसकी फीलिंग्स को जान सकते हो कि वो आप में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा अगला जो तरीका है कि उस लड़की से आप किसी और लड़की की तारीफ करके भी उसकी फीलिंग्स जान सकते हो। क्योंकि दोस्तों देखो, एक लड़की के से अगर आप किसी और लड़की की तारीफ करो, तो इसका मतलब होता है कि आप उसको उस दूसरी लड़की से कंपेयर कर रहे हो और ये दिखा रहे हो कि वो उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं है। और इस वजह से ये चीज़ लड़कियों को कभी भी पसंद नहीं आती है। तो अगर आप उसकी किसी उस लड़की से किसी और लड़की की तारीफ़ करोगे और ये देखोगे कि क्या वो आपको देखकर या आपकी तारीफ़ सुनकर थोड़ा सा आपको रोक टोक करती है, या फिर आपसे सवाल करती है कि यार तुम उसकी बहुत तारीफ़ करते हो, ऐसी भी क्या बात है उसमें, ऐसा मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं, इस तरीके से आपको कुछ बोले, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये उसका एक इशारा है आपको अपनी फीलिंग्स बताने का। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।